हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं द रवि टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर और इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस पावर सप्लाई कार्ड को, इसमें क्या फॉल्ट है। दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है यहाँ पर, ठीक है, और इसके बाद इसको हम सीरीज बोर्ड में लगाएंगे, क्योंकि कोई भी पावर सप्लाई कार्ड आप रिपेयर कर रहे हैं तो सीरीज में ज़रूर लगाएं। कहीं अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए सीरीज में ही लगाएं। तो मैं सीरीज में इसको लगा देता हूं और इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये है मल्टीमीटर, ठीक है, इसको मैंने डीसी वोल्ट 200 पे कर रखा है और यहाँ से हम चेक करेंगे। यहाँ ये जो है ये है ग्राउंड, ठीक है, तो ब्लैक वाला यहाँ लगा देंगे और ये है प्लस, तो यहाँ पे देखेंगे 12 वोल्ट की जगह 2.8 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और इधर हम देख लेते हैं, ये 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट पे 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। इसके बगल में ये होता है, क्या बोलता है, 24 वोल्ट होता है, ये नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ से काट रखा है। ये क्यों काट रखा है ये मैं आपको बताऊँगा। और ये इधर इसके बाद देख, सॉरी, ये तो 5 वोल्ट एक ग्राउंड और ये 24 वोल्ट होता है, ये काट रखा मैंने इसलिए जीरो आ रहा है। उसके बाद है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट पे 16 वोल्ट आ रहा है। और इधर जो है 3.3 है, इसके जगह 4.3 आ रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता दिक्कत दोस्तों, अभी तो वोल्टेज सही बता रहा है, लेकिन क्या होता है अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएगा, इससे तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है बाद में दोस्तों, जब हम सेटअप बॉक्स को चलाते हैं और कुछ देर बाद चलने के बाद वोल्टेज सारे ड्रॉप हो जाते हैं, तो उसमें दिक्कत आती है हमें। अभी तो वोल्टेज सही बता रहा है, लेकिन जब वो चलने लगेगा, कुछ देर चलेगा, फिर ड्रॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा सेटअप बॉक्स, तो ऐसी समस्या आती है अगर यहाँ पर 12 वोल्ट ना आए तो, ठीक है। इसको हम कैसे, वैसे इसको हम स्पीकर वगैरह चलाने के लिए भी यूज करते हैं 6283 का कार्ड लगा के, तो उसमें काम आता है। तो इसको हम रिपेयर करेंगे, क्या दिक्कत हो सकता है दोस्तों, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो को पसंद आती है तो हमें कमेंट भी करें, ठीक है दोस्तों। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। तो इसका हम फॉल्ट देखते हैं। इसका फॉल्ट दोस्तों, इसका सारा डायोड तो ठीक ही है क्योंकि सब अपना अपना वोल्टेज सही सही बता रहा है, तो इसमें फॉल्ट क्या हो सकता है, एक ये डायोड ख़राब हो सकता है। तो ये डायोड हम चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी पे करके, और इधर से भी तो देखेंगे इसका डायोड भी ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर दोस्तों, अगर आपका ये भी ठीक हो, ये भी ठीक हो और वोल्टेज कम आ रहा हो, तो इस कंडीशन में आप जो ट्रांसफार्मर होता है ये आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर सब पे वोल्टेज कम आ रहा है, तब इन सब में दिक्कत आ सकती है। जैसे कि आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा था, उसमें सब पे वोल्टेज ड्रॉप आ रहा था, तो उसका ये डायोड ख़राब था। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पर भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सब में वोल्टेज सही आ रहा है, सिर्फ 12 वोल्ट यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो इसमें हमारा डायोड ठीक है। तो हम यहाँ इसका जो ट्रांसफार्मर है, इसका रेजिस्टेंस देख लेते हैं कितना है। इसको हम कंटिन्यूटी पे करेंगे और यहाँ से यहाँ ऐसे चेक करेंगे, तो देखेंगे ये शॉर्टिंग बता रहा है। कनेक्शन तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन क्या है, इसको हम ओम पे करेंगे, 200 ओम पे, और यहाँ से यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे, वो चेक करेंगे इसका, तो आप रीडिंग देखेंगे इसके ऊपर 5 आ रहा है, 0.5 ओम, ठीक है, लेकिन 0.5 नहीं आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे आना चाहिए। जैसे कि मेरे पास एक और पावर सप्लाई कार्ड है, इसका ट्रांसफार्मर में हम चेक करेंगे इसका वैल्यू, रीडिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका आप देखेंगे तो 0.9 आ रहा है, ठीक है, और इसका देखेंगे, इसका 5 आ रहा है, 0.5, मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसफार्मर है कहीं से कहीं शॉर्ट है अंदर, ठीक है, इसलिए रीडिंग कम दे रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस ट्रांसफार्मर को निकालेंगे और ये वाला ट्रांसफार्मर डालकर देखते हैं, ठीक है।
एक तो आपने सीख ही लिया ट्रांसफार्मर कैसे चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ अगर ओम पे करके हम चेक करेंगे तो 5.05 आ रहा है, 6 आ रहा है ना, 9 के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसमें आ रहा है, देखिए 9.8 है ना, इतना आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम निकाल के ये वाला लगाएंगे। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले इन सब पे थोड़ा थोड़ा सोल्डर लगा देते हैं इस तरह से, और इस पे भी, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके पास डिसोल्डिंग पंप है तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, ऐसे करके ऐसे खींच लीजिए। इस तरह से बहुत ही आसानी से ट्रांसफार्मर निकल जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी आपको। अगर पसंद आ ही रही है तो इसको लाइक भी कर लीजिए हाथों हाथ, बाद में आप भूल जाते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, क्योंकि वीडियो तो मैं अपलोड करता हूँ लेकिन नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाता है तो नहीं देख पाते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से ये ट्रांसफार्मर इससे निकल गया, ठीक है। ये देखिए कितनी आसानी से निकल गया। इसके बाद इसका रेजिस्टेंस एक बार और चेक कर लेते हैं कितना रेजिस्टेंस बता रहा है। तो एक पॉइंट यहाँ रखेंगे, दूसरा नोक यहाँ रखेंगे, देखिए 5 आ रहा है, मतलब अभी कम है, ठीक है। ट्रांसफार्मर हमारा ख़राब है, इसको हम साइड में इधर रखते हैं। और एक इसका पड़ा है, इसका हम इसमें से निकाल लेते हैं, तो इसको भी हम फटाफट निकाल लेते हैं। दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा मैंने क्या किया है। दोस्तों ये वीडियो उनके लिए बहुत लाभ हेल्पफुल है जो इसका काम सीख रहे हैं। दोस्तों यूट्यूब पे इस तरह का वीडियो बहुत ही कम आपको मिलेगा ट्रांसफार्मर चेंज करते हुए। क्या होता है दोस्तों, वैसे पावर सप्लाई कार्ड कोई महंगा नहीं आता है, 50-60 रुपये का मिल जाता है हमें। लेकिन अगर आपको रिपेयर करने आता है तो आप क्यों नया परचेज करेंगे, किसी पुराने सप्लाई कार्ड में से ट्रांसफार्मर निकाल के डाल सकते हैं, रेजिस्टेंस डायोड। तो इसलिए आना चाहिए, पता होना चाहिए क्या फॉल्ट से क्या होता है। देखिए कितनी आसानी से इस डिसोल्डिंग पंप से ये निकल रहा है। ये देखिए निकल गया है। किसी किसी में अगर सही से सोल्डर चिपका हुआ है, इसको भी हम साफ कर देते हैं। ये देखिए इसमें से भी बहुत ही आसानी से निकल गया है। कहीं कहीं चिपका हुआ था उसको हम साइड में कर लेते हैं, और ये देखिए निकल गया, ठीक है। अब इसका हम ओम देख लेते हैं कितना है रेजिस्टेंस। तो इसको हम एक इधर और एक इधर लगाते हैं, इसमें देखेंगे 1 आ रहा है, ठीक है, मतलब ये सही है। अब इसको हम इसमें लगा देते हैं। तो लगाने का तरीका वही है, इधर 4 पॉइंट है, 4 पिन, और ये इधर 6 हैं, 5 है, तो इसको इधर लगाएंगे हम, ठीक है। और ऐसे लगा के इसको हम सोल्डिंग कर देते हैं। तो सोल्डिंग करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले एक इस पॉइंट पे सोल्डर मार देंगे और एक इस पॉइंट पे सोल्डर मार देंगे ऐसे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम
सब पे आराम से शोल्डर ऐसे पिघला देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से दोस्तों हमने सब पे वो लगा दिया है, और अब यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं अब इसका ओम कितना आ रहा है। ये देखिए 1 आ रहा है, मतलब अब ठीक है। अब इसको हम चला कर देखते हैं अब वोल्टेज आया है कि नहीं आया है। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं, इसको हम सीरीज बोर्ड में लगाएंगे और मल्टीमीटर को डीसी 200 पे करेंगे और यहाँ पे ग्राउंड और यहाँ पे प्लस लगाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ 12.9 आ रहा है, ठीक है, मतलब हमारा ठीक हो गया है। अब इस साइड कोई दिक्कत नहीं है, इस साइड भी चेक करेंगे 5.9 आ रहा है, 4.9 5 वोल्ट, 3.3 पे 4.4 आ रहा है, सही है, 12 वोल्ट पे 17 आ रहा है। अब कभी भी नहीं अटके गए, जब भी चलेगा सेट ऑफ बॉक्स तो चैनल नहीं अटकेंगे ना ड्रॉप मारेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी इसका फिल्टर हो, क्योंकि क्या होता है दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो एक ट्रांसफार्मर होता है, जो डायोड होता है, यहाँ पे इसके साथ एक कंडेंसर होता है, ठीक है, ये कंडेंसर यहाँ पर इसको ग्राउंड में जाता है तो फिल्टर बनता है, ठीक है, तो फिल्टर सही ना बनने के कारण चैनल अटकता है। अब इस पे फिल्टर सही बनेगा, अब चैनल नहीं अटकेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर इसी तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, मैं पावर सप्लाई कार्ड के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।